आपने लिखा है मैं क्यों हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, परम भगवान कौन है, मुझे क्यों बनाया है, मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकता, मेरा उनसे संबंध कैसे होगा। हरे कृष्ण दोस्तों, इस समय हम वृंदावन इस्कॉन मंदिर के बिल्कुल ठीक सामने खड़े हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे काफी चहल पहल है क्योंकि जन्माष्टमी के समय हम यहाँ पर आए हैं। तो यहाँ पे आपको इस वीडियो में इस्कॉन मंदिर की पूरी अंदर के दर्शन करवाएंगे, म्यूजियम दिखाएंगे और आपको साधु संतों से बात भी कराएंगे। तो वीडियो के अंत तक बने रहेगा, अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, हमारे पेज को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो इस समय हम बिल्कुल अंदर प्रवेश कर रहे हैं इस्कॉन टेम्पल के, आप देख सकते हैं टाइम रहता है पूजा करने का। तो अब हम यहाँ पे अपने जूते, मंदिर में जाने से पहले जूतों को यहाँ पे उतार रहे हैं। तो यहाँ पे एक थैला दिया जाता है इस तरह से, उस थैले में आपको अपने जूते डालने होते हैं और फिर इसको यहाँ पे सबमिट करना था, आपको टोकन मिलता है। तो चलिए हम आपको जूते रख के फिर मिलते हैं। तो चलिए हमने अपना सामान स्लॉट रूम में सबमिट कर दिया, अब चलते हैं आगे की ओर। मंदिर के अंदर की मैनेजमेंट आपको काफ़ी दुरुस्त और अच्छी नज़र आएगी क्योंकि क्लॉक रूम यहाँ पे आपको अवेलेबल मिलता है और भीड़ को काफ़ी अच्छे से मैनेज किया गया है। आप अपना सामान बाहर से लाकर अंदर रख के मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। अभी हम मंदिर के मुख्य द्वार के सामने खड़े हैं जो आपको बिल्कुल सफ़ेद पत्थर से, वाइट मार्बल से बना हुआ नज़र आता है, बहुत ही सुंदर है। इस समय यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ थी, आप देख सकते हैं बीच का जो मुख्य हिस्सा है वो आपको गोल्डन कलर में नज़र आ रहा है, जहाँ पर भगवान के अर्चे विग्रह रखे गए हैं और वहाँ जाके हम उनके दर्शन भी करेंगे। और अभी आप देख सकते हैं शुरुआत में ही आपको सामने सबसे पहले लेफ्ट साइड में प्रभुपाद जी की समाधि मंदिर नज़र आता है। अभी हम आगे चलते हैं और उनकी परिक्रमा करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे उनके जीवन के जो स्टोरीज हैं उनको, जैसे जैसे उन्होंने यात्राएँ की अपनी भक्ति यात्रा, उनको यहाँ पर स्कल्पचर्स के जरिए, पेंटिंग के जरिए तो यहाँ पे दिखाया गया है। बहुत सुंदर सुंदर वॉल पेंटिंग्स आपको नज़र आती हैं जो उनके लाइफ स्टोरी को यहाँ पे रिफ्लेक्ट करती हैं। तो अभी हम आगे की ओर बढ़ रहे थे परिक्रमा करते हुए, सामने जैसे हमने इसको पूरा कंप्लीट किया, लेफ्ट साइड में अगर आप देखें एक दरवाज़ा आपको नज़र आ रहा है और सामने की ओर माताएँ यहाँ पर भजन कीर्तन कर रही हैं। तो हम यहाँ लेफ्ट दरवाजे से हम बाहर की ओर हो गए और आप जैसे हम बाहर हुए हैं आप देखिए मंदिर का पूरा आर्किटेक्चर है वो यहाँ पर गोल्डन कलर में चेंज हो जाता है। तो अभी आप देखिए दीवारों पे कितनी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स आपको नज़र आती हैं। यहाँ पे भगवान कृष्ण की बाल लीलाओं को दर्शाया गया है, कैसे माँ यशोदा उनको पेड़ के साथ बांध रही हैं, आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर उनकी बाल जीवन का चित्रण यहाँ पे किया गया है पेंटिंग्स के ज़रिए। तो यहाँ पे एक गिफ्ट शॉप आपको दिखती है जिसमें आप स्पिरिचुअल रिलीजियस बुक्स को परचेज कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं भागवतम का जो डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेज़ में अनुवाद किया गया है अलग अलग भाषाओं में प्रभुपाद जी द्वारा, वो रखी गई हैं, इसको आप यहाँ पे खरीद के किसी को गिफ्ट भी कर सकते हैं। अभी 20 मीटर मुश्किल से हम आगे चले थे, राइट साइड की ओर आपको अभी एक दरवाज़ा नज़र आएगा, वो दरवाज़ा आपको मेन एंट्रेंस की ओर आपको प्रवेश दिलाता है। तो यहाँ पे हम इसमें अंदर एंटर करेंगे। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर अंदर एंटर करते ही आपको एक बड़ा सा आंगन नज़र आ रहा है, ये मुख्य आंगन है और साइड पर आप देख सकते हैं लेडीज़ यहाँ पर फूलों से मालाएँ बना रही हैं भगवान को अर्पित करने के लिए। और अब हम बिल्कुल मेन एंट्रेंस की ओर पहुंच गए हैं जहाँ पे प्रभुपाद जी की यहाँ पे आपको मूर्ति नज़र आ रही है, शुरुआत में ही आपको लेफ्ट साइड में नज़र आती है और सामने भगवान की विग्रह हैं। तो आप दर्शन कर सकते हैं भगवान की, सुंदर दृश्य आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं तुलसी माता जी का मंदिर है, ये देखिए ये सामने तुलसी माता जी के मंदिर के आप दर्शन कर रहे हैं।
यहाँ पे मंदिर के अंदर जाकर बहुत ही सुंदर दर्शन किए हैं भगवान श्री कृष्ण के। बहुत सुंदर भजन कीर्तन चल रहा था, हर तरफ सारे भक्त उमंग और उल्लास से भरे हुए थे। अब हम यहाँ पे देखेंगे म्यूजियम, चलिए अंदर चलते हैं। ऐसे विहंगम दृश्य मैंने कभी जिंदगी में नहीं देखे थे, लेकिन कहिए राधे राधे जय श्री कृष्णा। ये किताब किसके बारे में है? मैं क्यों हूँ, इसमें 20 प्रश्न हैं जिनके उत्तर लिखे हैं। इसमें लिखा है मैं क्यों हूँ, जीवन का लक्ष्य क्या है, परम भगवान कौन है, मुझे क्यों बनाया है, मैं उन्हें क्यों नहीं देख सकता, मेरा उनसे संबंध कैसे होगा, मेरे से बुरा क्यों होता है, भगवान अच्छे हैं बुरे हैं, ये पढ़िए जीवन में उतारिए और इस किताब को घर की ड्राइंग रूम टेबल पे रखें ताकि मिलने वाले पढ़ें, वो भगवान की सेवा मिलेगी आपको। ये एक किताब 10 रुपये का है। चलिए ज़रूर जी, हम ले रहे हैं, 5 का सेट ले रहे हैं। ये 5 किताबों का सेट है। एक पहली दी है मैं क्यों हूँ, दूसरी है मैं और मेरा, एक है मैं हूँ, एक है मैं अच्छा व्यक्ति हूँ दुख क्यों भोग रहा हूँ, और एक है कार्तिक मास की लीला, इसमें गोपी गीत है, भगवान को बांधा का उसकी कथा है, और जो भगवान ने कार्तिक में किया वो सब कुछ इसमें है, और तो कार्तिक अनुपालन कैसे करें। तो 5 किताबों का सेट है। तो हमने ये 5 बहुमूल्य पुस्तकें ली हैं और इसको हम बताएगी जो विधियाँ हैं इंस्ट्रक्शन उसके अकॉर्डिंग फॉलो करेंगे। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने इस्कॉन टेंपल के बहुत ही सुंदर दर्शन किए आपके साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, मेरे पेज को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।